नमस्कार, स्वागत है सभी का विस्तार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुभाष चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे कन्नौज की। बता देखे, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव कन्नौज दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। तो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव कन्नौज दौरे पर पहुंचे, जहां अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव में नतीजे बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। सभी राज्यों में जनता परिवर्तन चाहती थी, इसलिए जनता ने सरकार को बदल दिया। हालांकि मध्य प्रदेश की स्थिति अलग थी, जहां समाजवादी पार्टी कांग्रेस में गठबंधन होने पर मध्य प्रदेश के नतीजे कुछ और थे। अखिलेश यादव ने कहा कि साल 2024 में जनता परिवर्तन चाहती है। उन्होंने बीजेपी की चिंता की बात बताई। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा और बीजेपी केंद्र की सत्ता से हटेगी। बीजेपी केंद्र से हटने पर देश खुशहाली की ओर जाएगा। मेरा मानना है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा, बीजेपी हटेगी, और मैंने नारा दिया है कि सभी दल साथ आएं, खासकर जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे। गठबंधन 80 हराओ का नारा देगा। जब 80 हारेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी हटेगी, और भारतीय जनता पार्टी हटने से ही देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। इनके पास नारे तो नए नए हैं, अब कह रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्री का सपना देख रहे हैं। जिनके वचन में कोई दम, मतलब कहने और कथनी में अलग अलग हो, क्या कहा और क्या किया, इसका जनता को आकलन करना पड़ेगा। और अभी लोकसभा में जो नौजवान कूदे हैं, ये सही बात है कि सुरक्षा, और वहां पर सुरक्षा जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, अगर ड्रीम प्रोजेक्ट। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं फिरोजाबाद की, जहां पहुंचे कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने गौशाला का निरीक्षण किया। प्रदेश सरकार के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह फिरोजाबाद दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही उन्होंने संदलपुर गौशाला का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि गौवंश किसानों और आम आदमी के लिए बड़ी समस्या है। 31 दिसंबर के बाद ये समस्या समाप्त हो जाएगी। सड़कों और खेतों पर घूमने वाले आवारा जानवर भिजवाने का काम लगातार किया जा रहा है। तो वहीं उन्होंने बताया कि अब तक 13 लाख से अधिक गौवंश को गौशालाओं में पहुंचाया जा चुका है। किसान की आय दोगुनी करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, तो किसान की आय दोगुनी मात्र खेती से ही होगी, पशुओं से नहीं। खेती से ही नहीं होगी, पशुओं से ही होगी। इसमें पशुओं का तमाम तरीके के प्रबंध करना, और इस समय उत्तर प्रदेश में निराश्रित गौवंश की एक समस्या है, जिसे विपक्ष छुट्टा पशु कहता है। 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक योगी सरकार अभियान चला रही है। इसमें 6 विभागों की एक टीम बनाई गई है। तो ब्रिटेन में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां सड़क सुरक्षा पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। बता दें कि बागपत में सड़क सुरक्षा पखवाड़े का शुभारंभ किया गया, जहां सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूक किए जाने के उद्देश्य से गेटवे इंटरनेशनल कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीएम ने सड़क सुरक्षा पखवाड़े का शुभारंभ किया। इस दौरान डीएम ने बताया कि दूसरी सड़क सुरक्षा पखवाड़ा 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर हम सब का परिवार, हम सब साथ चलते हैं, और हमें एक दूसरे को सड़कों पर चलने के समय नियमों का पालन करना और दूसरे लोगों को भी जागरूक करना। डीएम ने कहा कि 15 दिवस का पखवाड़ा अभियान स्कूल से लेकर हर स्तर तक पहुंचाया जाएगा और आम जनमानस को इससे लाभ मिलेगा। 15 दिसंबर 2023 से बागपत में जो सड़क सुरक्षा पखवाड़ा है, उसका प्रारंभ हुआ है गेटवे स्कूल से, और यहाँ पर 1000 से अधिक बच्चों ने प्रतिभाग किया है। हमारे ट्रैफिक की टीम ने, हमारे स्वास्थ्य की टीम ने, PWD की टीम ने, और हमारे स्कूल मैनेजमेंट ने बहुत सारे बच्चों के लिए जो प्रेरक कार्यक्रम थे और जो मोटिवेशनल और उसके ट्रैफिक रूल्स के जो फ़ायदे हैं उसके बारे में बहुत अच्छी चर्चा भी हुई है। बच्चों से भी बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ है, उनके सवाल और सुझाव भी लिए गए हैं। और मैं जनपदवासियों से अपील करूंगा कि जो अभी अगले 2 हफ्ते हैं जाड़े के समय में, उसमें सड़क सुरक्षा में अपना योगदान करें, रिस्पॉन्सिबली गाड़ी चलाएं। तो ब्रिटेन बात महोबा की कर लेते हैं, जहां पर भी सड़क सुरक्षा पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूक किया गया। तो महोबा में सड़क सुरक्षा पखवाड़े का आयोजन किया गया। बता दें कि परिवहन विभाग की तरफ से
ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान कार्यक्रम में जिलाधिकारी मृदुल चौधरी और सदर विधायक राजेश कुमार गोस्वामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जहां सभी बच्चों को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही सदर विधायक ने सभी को सड़क सुरक्षा नियमों के पालन करने की शपथ भी दिलाई। सड़क सुरक्षा का कार्यक्रम चलाया जाता है, पकवाड़ा अभी आपने देखा पुलिस विभाग द्वारा चलाया गया था, अभी ये ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। इसका मेन मकसद यही होता है कि हम समाज में जागरूकता पैदा कर सकें। जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उनको ज़्यादा, आपको मालूम होगा कि बीमारी से ज़्यादा दुर्घटनाओं में लोगों की मृत्यु हो रही है, उनको जागरूक करने के लिए पखवाड़े चलाए जाते हैं और उम्मीद की जाती है कि इन पखवाड़ों के माध्यम से हम समाज को जागरूक कर पाएंगे। मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि आप इसमें 15 दिन का पखवाड़ा चलाएं और जो हमारी कैजुअलिटीज हो रही हैं रोड टैक्स में उसको कम करने की कोशिश करें। तो आप हमने रिटर्न बात महोबा की ही कर लेते हैं, जहाँ सीएम सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। महोबा में सीएम सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां सामूहिक विवाह में 15 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामा। बता दें कि विकासखंड पटवारी के ब्लॉक सभागार में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कुल 16 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें से 15 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख अंजना श्री प्रकाश अनुरागी ने दुल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखमय जीवन की कामना की, साथ ही उन्हें शादी का प्रमाण पत्र भी सौंपा गया। बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां नगर पालिका की तरफ से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। बता दें कि नगर पालिका की तरफ से चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान पर लोगों ने कई आरोप लगाए। बता दें कि फिरोजाबाद में नगर पालिका की तरफ से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जहां सड़कों से अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान लोगों ने नगर पालिका पर कई गंभीर आरोप लगाए, जहां मौजूद लोगों ने कहा कि शिकोहाबाद नगर पालिका की अतिक्रमण विरोधी अभियान सिर्फ गरीब लोगों पर ही चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुकानदार सड़क पर कब्जा जमाए बैठे हैं, लेकिन इस अभियान के तहत दुकानदारों पर नगर पालिका की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। नगर पालिका केवल गरीब लोगों पर ही अत्याचार कर रही है। तो ब्रिटेन में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां बागपत का बहुचर्चित केस शौर्य हत्याकांड में कोर्ट ने दो आरोपियों को पर दोष सिद्ध कर दिया है। तो बागपत के चर्चित शौर्य हत्याकांड में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने जल्द ही उन्हें सजा देने का ऐलान भी किया गया। तो इस दौरान पीड़ित परिवार ने दोषी साबित आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। बता दें कि मामला खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र के फरकपुर का था, जहां 5 दिसंबर 2022 को कक्षा चौथी के छात्र शौर्य की फिरौती लेकर हत्या कर दी गई थी। शौर्य के लिए सर्व समाज एक हो गया था और उनके हथियारों को कड़ी सजा दिलाने की मांग भी की गई थी। वहीं जब हत्यारे अरेस्ट हुए तो पता चला कि हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके सगे चाचा और चचेरे भाई ने दादा के रिटायरमेंट की रकम हड़पने के लिए की थी, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से एक नाबालिग शामिल था। तो वहीं अब कोर्ट ने शौर्य हत्याकांड में वारदात से ठीक 1 साल बाद सभी आरोपियों को दोषी सिद्ध किया। फांसी की सजा चाहिए, उन्हें फांसी दो। जैसे आज मैं रो रही हूँ, कोई मानो रो गए जैसे मैं रो रही हूँ। मेरे बेटे को फांसी दो, मेरे बेटे को फांसी दो, फांसी। मेरे पोते सूर्य का अपहरण करके जो है हत्या कर दी गई और जो है आज उसका जजमेंट था। कितनी हत्या की गई थी उसकी? 15/12/2022 को। आज क्या फैसला है उसमें? अक्षित, इसका जुनाइल कोर्ट में केस चला हुआ है, क्योंकि इसकी आयु जो है वो 18 वर्ष से कम साबित हुई थी। क्या था ये पूरा मामला? पूरा मामला ये था कि 15/12/2022 में इन तीनों अभियुक्तों ने, जगबीर सिंह जो रिटायर होकर आए थे, सरकारी कर्मचारी थे, उन्हें ये पता था ही नहीं। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं कासगंज की, जहां कासगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने हत्या की कुत्ती को सुलझा लिया है। तो कासगंज के टोलना क्षेत्र में 15 दिन पहले मिले शव का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस के अनुसार दोनों बेटों ने अपने एक साथी के साथ मिलकर अपने ही पिता की हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया था। फिलहाल पुलिस ने हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 1 दिसंबर को ढोलना थाना क्षेत्र के अलीगढ़ छल्ला रोड पर नंगला खंगार पुलिया के पास एक अज्ञात युवक का शव पड़ा हुआ मिला था। इस मामले में थाना ढोलना पर अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। इसके बाद से ही पुलिस
हत्या आरोपी की तलाश में जुट गई थी। इसी बीच अचानक पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा जिससे पुलिस के होश उड़ गए। इसके बाद तत्काल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जुटाए गए सबूतों के आधार पर मृतक के ज्ञान सिंह के बेटे नीरज कुमार, नरेंद्र कुमार और अवधेश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए तीनों हत्या आरोपी को जेल भी भेज दिया। इस दौरान SP सौरभ दीक्षित ने बताया कि मृतक के ज्ञान सिंह अलीगढ़ के गंगिरी का रहने वाले थे, जहां पुलिस ने बताया कि जब नीरज और नरेंद्र से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उनके पिता ज्ञान सिंह चोरों ने किसी एक महिला के साथ संबंध बना लिए थे। इसके साथ ही उनके नाम जो भी प्लॉट और मकान संपत्ति थी उसे धीरे धीरे वो बेचते जा रहे थे। संपत्ति बेचने के लिए बार बार मना किया जा रहा था लेकिन वो मान नहीं मान रहे थे। जहाँ संपत्ति बेचने के रोकने के लेकर उन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी, फिर शव को मोटरसाइकिल पर लाद कर जंगल में फेंक दिया। एक व्यक्ति जो कि अज्ञात था, उसका शव थाना ढोलना क्षेत्रांतर्गत प्राप्त हुआ था, जो मौके पर तत्समय हमारे सभी पुलिस अधिकारी, फील्ड यूनिट और थाना प्रभारी पहुंचे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस व्यक्ति की जो है इसके साथ कोई घटना कारित कर दी गई है, क्योंकि इस व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। अज्ञात शव इसको ट्रीट करते हुए 4 दिसंबर को इसका पोस्टमार्टम कराया गया। तब तक भी पुलिस द्वारा उसके बाद से ही लगातार इसके शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे थे। इसकी शिनाख्त बाद में उसमें पुलिस को सफलता मिली, जिसमें इसकी शिनाख्त जो है ज्ञान सिंह निवासी बिहारीपुर थाना गंगिरी जनपद अलीगढ़ के रूप में हुई है। आज कुल 3 व्यक्तियों को तो बेटे में बात कर लेते हैं प्रयागराज से। यहाँ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ एक बेटे ने अपनी माँ की हत्या कर दी, तो प्रयागराज से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। पुलिस ने यहाँ एक माँ के हत्यारे बेटे को तलाशी के दौरान गिरफ्तार किया। युवक अपनी माँ का कत्ल करके शव को गंगा में प्रवाहित करने आया था, लेकिन पुलिस की सक्रियता के चलते वह अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका। पुलिस ने बताया कि आरोपी बिहार के गोपालगंज जिले का रहने वाला है। दरअसल हरियाणा के हिसार जिले के हांसी की विकास नगर कॉलोनी में माँ ने अपने बेटे को 5,000 रुपये देने से इनकार कर दिया, तो बेटे ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। माँ की हत्या के बाद आरोपी माँ के शव को सूटकेस में डालकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंच गया, जहां दारागंज थाने की पुलिस ने युवक को सूटकेस में अपनी माँ की लाश के साथ गिरफ्तार किया। दारागंज थाने पुलिस रात में संगम की तरफ गई तो वहां एक युवक सूटकेस खींचकर ले जाता हुआ दिखाई दिया, तो पुलिस ने देखकर युवक घबरा गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की। आरोपी के सूटकेस को चेक किया जिसमें महिला की लाश मिली। पूछताछ में पता चला कि पकड़ा गया युवक हिमांशु कुमार बिहार के गोपालगंज का रहने वाला है। यूपी पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर मामला दर्ज किया और युवक को जेल भेज दिया और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गए। देखिए, आज दिनांक 15/12/23 को दारागंज पुलिस टीम जब संगम एरिया में रात्रि में गश्त कर रही थी, तो उसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति जो है वो मिला और उससे जब पूछताछ की गई, उसके पास एक सूटकेस था, तो उससे जब पूछताछ की गई तो पुलिस को उस पर शक हुआ। तो उसमें डिटेल में जब उससे विस्तृत पूछताछ की गई कि सूटकेस में क्या है, तो उसके द्वारा बताया गया कि जो लड़का है उसका नाम हिमांशु है और मूलतः वो गोपालगंज बिहार का रहने वाला है। और उस सूटकेस में जब उसको खुलवा के देखा गया तो उसमें एक महिला की डेड बॉडी मिली थी, और उस जब डेड बॉडी के बारे में पता किया गया तो उस हिमांशु ने बताया कि वो उसकी मदर की डेड बॉडी है, जिनका नाम प्रतिभा देवी है और उनकी उम्र लगभग 42 साल थी। और जब इससे विस्तृत पूछताछ की गई हिमांशु से, तो इसने बताया कि ये इसकी मदर के साथ जो हरियाणा में हिसार जनपद में ये आर्यनगर में रह रहा था, और वहीं पे इसकी मदर जो है वो कॉटन मिल में काम कर रही थी, और जब इसने अपनी मदर से कुछ खर्चे के लिए पैसे मांगे थे 5,000 रुपये, तो इनका आपसी झगड़ा। तो बुलेटिन के आखिरी में बात और फरुखाबाद की कर लेते हैं, जहां व्यापारी के साथ लूट का मामला सामने आया। बता दें कि फरुखाबाद में व्यापारी के साथ लूट का मामला सामने आया, जहां बदमाशों ने व्यापारी से 60,000 रुपये की लूट की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। बता दें कि पीड़ित व्यापारी अपनी दुकान बंद करके अपने घर जा रहा था, तभी बेखौफ बदमाशों ने दुकानदार की स्कूटी रोक उस पर हमला बोल दिया और उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद उन्होंने उसका गोला छीन लिया। बता दें कि यह सारा मामला कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के चिलाका मोड़ के पास का है, जिसके बाद पीड़ित व्यापारी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। हम दुकान बंद करके आ रहे, बस नीचे उतरे, ये लोग पहले से खड़े हुए थे, उन्होंने रोका, झोला पहले छीना, जब हमने झोला पकड़ा तो मारने लगे। नोमान, अरबाज, बाकी नाम भी 4-5 थे, 2 को पहचान लिया। तुम्हारी इनसे पहले से कोई विवाद विवाद है? नहीं, पहले से। अच्छा, झोले में क्या रखा हुआ था? पैसे थे 60,000 रुपये। कहाँ से लाए भैया? दुकान, हमारी दुकान है। यूपी के बुलेटिन अपना तो प्रदेश में भी के लिए बस इतना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें ABC।